देखते ही देखते दुनिया अब पूरी तरह विश्व युद्ध की आग में खुद को घिरता देख रही है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद इसराइल और हमास की जंग ने दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति पर गहरा असर डाला है, और अब जंग का एक नया मुहाना समुन्द्र में खुल गया है। लाल सागर में अब भयानक युद्ध छिड़ गया है। हूती के हमलों के बाद अब अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती पर ऐसे ताबड़तोड़ हमले शुरू किए कि जिससे तिलमिलाए हूती संगठन ने अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। यानी अब समंदर में छिड़ी जंग की गूंज से आसमान भी दहलने वाला है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इसराइल हमास युद्ध के बाद यमन का आतंकी संगठन हूती लाल सागर में मालवाहक जहाजों पर लगातार हमले कर रहा है। दरअसल हूती ने ऐलान किया है कि इसराइल गाजा में जब तक हमले बंद नहीं करता तब तक वो लाल सागर में इजरायली जहाजों या उससे संबंधित कंपनियों के जहाजों पर हमले नहीं रोकेगा। लेकिन हूती की इस खुन्नस में पश्चिमी देशों के कई जहाज लपेटे में आ चुके हैं, जिन पर हूती ने या तो हमला किया है या फिर उन्हें जब्त कर लिया है। लेकिन अब अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती पर लगाम कसने के लिए यमन में उसके कई ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने यमन में ड्रोन क्रूज मिसाइल से जबरदस्त हमले किए, यहां तक कि यमन में राडार और एयर सर्विलांस के ठिकानों पर भी हमले हुए हैं। इसको लेकर अमेरिका और ब्रिटेन का कहना है कि अगर लाल सागर में हूती ने हमले बंद नहीं किए तो यमन में और ज्यादा हमले किए जाएंगे। लेकिन इन हमलों के जवाब में हूती ने भी लाल सागर में अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। हूती ने कहा कि लाल सागर में दोनों ही देशों के युद्धपोतों पर हमले शुरू हो गए हैं। इसको लेकर हूती के वरिष्ठ सदस्य अब्दुल सलाम जहाफ ने कहा कि पश्चिमी सहयोगियों के हमले के जवाब में हमारे बलों ने लाल सागर में अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोतों पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। यमन में जो हमले हुए हैं उनका हिसाब अमेरिका से चुकता किया जाएगा। वहीं हूती के उप विदेश मंत्री हुसैन अल एजी ने तो डंके की चोट पर सीधे सीधे अमेरिका और ब्रिटेन को चुनौती दे डाली है। अल एजी ने अपने बयान में कहा कि यमन पर हमले के अमेरिका और ब्रिटेन को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हमारे देश पर अमेरिका और ब्रिटिश सेना ने पनडुब्बियों और फाइटर जेट से बड़े पैमाने पर आक्रमण हमला किया है। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका और ब्रिटेन को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इस जबरदस्त आक्रामकता के गंभीर परिणामों को सहन करने के लिए दोनों देशों को तैयार रहना होगा। आपको बता दें कि लाल सागर में मालवाहक जहाजों को सुरक्षा देने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है, और इस सैन्य गठबंधन में अमेरिका, ऑस्ट्रिया, बहरीन, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर की सेनाएं शामिल हुई हैं, जो लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा करेंगी।